गाइज, वेलकम टू माई चैनल. इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन. जिस बगल में लगा बेल बटन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा. जैसा कि आप टाइटल से जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स, स्पेशली गर्ल्स, मुझसे पूछती रहती हैं कि फेस में जो फेशियल हेयर है, मतलब छोटे छोटे से जो बाल हो जाते हैं, उनको शेव करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा स्किन में, उनके आगे के साइड इफेक्ट क्या है. गर्ल्स को ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि बालों को शेव करना, फेस के जो हेयर्स होते हैं उनको शेव करने में आगे चल के क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो गाइज, आज मेरा वीडियो स्पेशली इसी टॉपिक पे होने वाला है. मैं बताऊंगी कि क्यों मैं फेस को शेव नहीं करती हूँ जबकि मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, छोटे छोटे काफ़ी बाल हैं. इसका रीज़न जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहेगा. क्या पूछती हैं मुझसे कि बालों को, फेस के बालों को शेव करने से क्या जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी. तो जैसे कि फेशियल हेयर्स लड़कियों के चेहरे पे हो जाते हैं, बाल हर जगह होते हैं, कुछ कुछ गर्ल्स को बाय बर्थ नहीं मिलते हैं लेकिन कुछ गर्ल्स के फेस पे होते हैं. तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि रीका वैक्स होता है, नॉर्मल भी फेस पे वैक्स करवाती हैं लड़कियाँ, वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं, एंड एक होता है शेव, जो कि आज मैं बात करूँगी शेव के बारे में. जो रेज़र आते हैं आप उसकी मदद से शेव करते हो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिलता है. ये घर में बैठे बहुत अच्छा आसान तरीका होता है बालों से छुटकारा पाने के लिए. जब आप उसको क्लीन करती हो तो आपको फील होगा कि आपका फेस बहुत ब्राइट हो गया है, इवन क्लीन लगेगा, और आपको शेविंग करना काफ़ी अच्छा लगेगा. जब दोबारा बाल निकलते हैं तो वो थोड़े पहली ग्रोथ के कंपैरिजन मोटे होते हैं, टाइट होते हैं. इवन अगर आपकी फर्स्ट टाइम में नहीं हुए हैं तो अगर आप फ्रिक्वेंटली उसको शेव करोगी, अपने फेस को शेव करोगी, तो जो आपकी ग्रोथ होगी वो फेस की, वो हेयर टाइट होने लगेंगे. इसका एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भी जेंट्स है, भाई, फादर, हस्बैंड, इवन योर बॉयफ्रेंड, आप उनसे पूछ सकती हैं कि जब फर्स्ट टाइम उनके दाढ़ी आती है, बियर्ड आती है, तो बहुत सॉफ्ट हेयर होंगे, कर्ली टाइप के होंगे, सेम वैसे जैसे कि अंडर आर्म्स में हेयर होते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली शेव करते करते वो जो हेयर्स होते हैं वो फिर टाइट से निकलने लगते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके के. तो सेम गर्ल्स के साथ भी होता है कि अगर आप अपने फेस के हेयर को फ्रिक्वेंटली शेव करोगे तो वो जो हेयर हैं वो सॉफ्ट की जगह टाइट हो जाएंगे. और मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि फिर जब दोबारा ग्रोथ आती है तो वो पोर्स दिखाई पड़ने लगते हैं और वो बहुत डर्टी लगता है. क्वेश्चन होता है गाइस कि एक बार शेविंग कर लिया उसके बाद नहीं किया तो चलेगा? नहीं, अगर आपने एक बार शेव कर दिया फेस पे, रेज़र यूज़ कर लिया, तो फिर आपको फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने फेस के हेयर को रिमूव करने में, क्योंकि जो नेचुरल हेयर होते हैं, नेचुरल फर्स्ट ग्रोथ होती है, वो तब भी नॉर्मल होती है, फिर जब दोबारा तीसरी चौथी बार जब बाल निकलते हैं वो बहुत डर्टी लगते हैं और बहुत टाइट होते हैं. इसी वजह से मैं कभी भी अपने फेस पे शेव नहीं करती हूँ, रेज़र नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दोबारा ग्रोथ आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी. अगर बहुत ही किसी बड़े मेजर फंक्शन में जाना है तो आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू रेज़र. सो गाइज, ये थे कुछ मिथ्स, कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में. तो ये था मेरा पर्सनल फीडबैक. अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. जस्ट बगल मेरा बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट. कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.